दिल्ली का शाहीन बाग चर्चा का विषय बना हुआ है। सीए के नाम पर धरना, भड़काऊ बयानबाजी, धार्मिक ठेस पहुंचाने वाले बयान, प्रदर्शन में बच्चों का इस्तेमाल और मासूम बच्चे की मौत, सुप्रीम कोर्ट की फटकार। उसी सुप्रीम कोर्ट की फटकार जिसके फैसले को शाहीन बाग के प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग मानने से इनकार कर देते हैं। वहां एक बच्चे की मौत हो जाती है जो सिर्फ अभी महीने भर का ही था। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो शाहीन बाग वालों के लिए एक फटकार है, एक डांट है। दरअसल सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि 4 महीने का बच्चा कैसे प्रदर्शन कर सकता है। इसी के साथ बच्चे की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने यह बात शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी महिलाओं की ओर से बच्चों के प्रदर्शन के अधिकार की दुहाई पर कही है। मुख्य न्यायाधीश CJI SA बोबड़े, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि एक 4 महीने का बच्चा कैसे प्रदर्शन कर सकता है। साथ ही साथ कोर्ट ने इस तर्क पर भी फटकार लगाई कि बच्चों को भी प्रदर्शन का अधिकार है। पूरा मामला क्या है आइए समझते हैं। दरअसल बहादुरी पुरस्कार पाने वाली छात्रा JN गुणरत्न सदावर्ते ने चिट्ठी लिखकर 4 महीने के बच्चे की मौत को लेकर सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी थी। छात्रा ने चिट्ठी में कोर्ट से गुजारिश की थी कि ऐसे धरना प्रदर्शनों में बच्चों को शामिल नहीं करने को लेकर उचित दिशा निर्देश दिया जाए। इसी के साथ छात्रा का यह भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट इस बाबत यानी इससे जुड़े गाइडलाइन भी बनाए। चिट्ठी में छात्रा ने यह भी गुजारिश की थी कि ऐसे धरना प्रदर्शनों में बच्चों का शामिल करना उन पर अत्याचार है। सुप्रीम कोर्ट से बच्चों की मौत के मामले में जांच की मांग भी की गई। वहीं सड़क बंद कर प्रदर्शन करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनंत काल के लिए किसी सार्वजनिक रास्ते को बंद नहीं किया जा सकता। अगर इतने दिनों तक इंतजार किया है तो एक हफ्ता और भी कर सकते हैं। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस KM जोसेफ की बेंच ने कहा कि इस मामले में पुलिस और सरकार को पक्षकार बनाया गया है, ऐसे में उनकी बात भी सुननी जरूरी है। सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होने वाली है। सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति SK कौल और न्यायमूर्ति KM जोसेफ की पीठ ने कहा एक कानून है और लोगों को उसके खिलाफ कुछ शिकायत है। मामला अदालत में लंबित है, इसके बावजूद कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें प्रदर्शन का अधिकार है। पीठ ने यह भी कहा कि आप सड़कों को अवरुद्ध नहीं कर सकते, ऐसे क्षेत्र में अनिश्चित समय तक प्रदर्शन नहीं हो सकते। अगर आप प्रदर्शन करना चाहते हैं तो यह प्रदर्शन करने के लिए निर्धारित स्थान पर होना चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि इस मसले का हल कब और कैसे निकलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल पर्यावरण पोस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।